इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यूकोफिया कॉफी रोस्टर्स और डेली बीन्स फ्रेंच रोस्ट साउथ इंडियन फिल्टर पारंपरिक दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी एक पेय है जो कॉफी के काढ़े के साथ झागदार दूध मिलाकर बनाया जाता है ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों के खिलाफ लड़ाई में सहायता कर सकते हैं जो सेलुलर क्षति का कारण बनते हैं और कैंसर से जुड़े होते हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक डार्क रोस्टेड कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिका क्षति से लड़ सकते हैं और कैंसर और हृदय रोग सहित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं दो सीजीए सूजन को कम करने से लेकर कोशिका क्षति को ठीक करने कोलेस्ट्रॉल को कम करने और आपके रंग में सुधार करने तक किसी भी चीज में मदद कर सकता है तीन ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ने में सहायता कर सकते हैं जो सेलुलर क्षति का कारण बनते हैं और कैंसर से जुड़े होते हैं चार न्यासिन एक संपूर्ण आहार का एक आवश्यक घटक है और आमतौर पर पेलाग्रा जैसे विकारों से बचने में मदद के लिए इसे मल्टीविटामिन में शामिल किया जाता है पाँच फ्रेंच रोस्ट में रोस्ट का स्तर उच्च होता है जिसके परिणामस्वरूप कॉफी बीन्स में भुने हुए स्वाद होते हैं और अन्य हल्के रोस्ट लोकप्रिय प्रकार की भुनी हुई कॉफ़ी के विपरीत फ्रेंच रोस्ट कॉफी में अम्लीय स्वाद नहीं होता है डार्क रोस्ट कॉफी शरीर के वज़न को कम करती है और स्वस्थ स्वयंसेवकों में लाल रक्त कोशिका विटामिन ई और ग्लूटाथियोन सांद्रता को हल्की रोस्ट कॉफी की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बहाल करती है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें